आप फिल्म एक्टिंग करियर में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं, इसमें किस्मत का है कितना हाथ, जानिए मेरे साथ। गुड डे फ्रेंड्स, मैं हूं तेजेंद्र सिंह, एक्टर्स कोच। एक सक्सेसफुल एक्टर के रूप में अपनी पहचान बनाना आसान नहीं है, पर मुमकिन है। ग्लैमर के इस वर्ल्ड में जितनी चकाचौंध है उतने ही चैलेंजेस भी है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग लगभग 2000 लोग हर दिन मुंबई में अपने सपनों के साथ एक्टर बनने के लिए लोग आते हैं, पर उसमें से कुछ लोग ही सक्सेस पाते हैं। जो लोग सक्सेस नहीं पाते हैं उन लोगों के तरह तरह के एक्सक्यूजेज होते हैं, पर एक एक्सक्यूज बहुत कॉमन है और वो है फेम। फेम किसे नहीं चाहिए होता है, मुझे भी चाहिए था। मुझे भी पसंद है कि मेरा भी नाम हो, खास करके बॉलीवुड इंडस्ट्री में। लेकिन अब तक का मेरा तजुर्बा यही रहा है कि अगर आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में फेम चाहते हो, नाम करना चाहते हो, तो वहाँ किस्मत का होना बहुत ज़रूरी है। मेरा बचपन से एक सपना था कि मैं एक्टर बनूँ। औरों की तरह मैं भी बॉलीवुड में जाना चाहती थी, जैसे और लड़कियों के सपने होते हैं कि वो टीवी पर आए। पर मैंने भी काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए हैं अपने, पर मेरा ऐसा मानना है कि ये सब एक किस्मत का खेल है। अगर आपके पास किस्मत है तो आप आगे जा सकते हो, नहीं तो फिर। मैं एक्टर बनना चाहता था, शुरू से बॉलीवुड में जाना चाहता था, वर्क करना चाहता था, हर चीज़ सॉन्ग सब कुछ करना चाहता था। लेकिन मैंने इसके लिए बहुत जगह ऑडिशन दिए, हर जगह गया, लेकिन किस्मत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किस्मत नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर किस्मत है तो रंग से राजा बन सकते हो। ये बात बिल्कुल सही है कि लक का रोल होता है, पर कितने परसेंटेज में होता है ये जानने के लिए मैं आपको दिखाऊंगा एक सक्सेस टेबल। सक्सेस टेबल के अंदर सबसे पहले आएगा आपका लक 15%, आपकी मार्केटिंग 15%, आपका हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क 35%, आपकी नॉलेज 35%। आज जब इन सब चीज़ को कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा 100%। और इसमें से जो आप एक एक्टर के रूप में जो सक्सेस पा सकते हैं वो जब आप 70% स्कोर करेंगे या इससे कहीं ज़्यादा पर। तो इसमें अगर आपको मैं ये बताऊं, अगर आप इसमें से नॉलेज को हटा देते हैं, मीन्स 35% को आप हटा देते हैं, तब बाकी चीज़ों को आप कैलकुलेट करेंगे तो स्कोर करेंगे आप 65%, मीन्स फेल। और इसी तरीके से अगर आप हार्ड वर्क को एंड स्मार्ट वर्क को हटा देते हैं तब भी आप सेम फिगर को अचीव करेंगे, जो कि है 65%। और अगर आप इसमें से लक को हटा देते हैं तब आप स्कोर करते हैं 85%, और अगर साथ में आप मार्केटिंग को भी हटा देते हैं तब आप स्कोर करते हैं 70%। मींस अगर आप इसमें लक आपके फेवर में है या नहीं, इसके अलावा कि जितनी दूसरी चीज़ें हैं अगर आप उस पर फोकस करते हैं तो आप अपने एम को ज़रूर अचीव कर सकते हैं। मींस 35% आपका जो हार्डवर्क है, हार्डवर्क में आता है आपका ऑडिशंस देना, आपके पेशेंस, आपका पूरा रिसर्च करना। आपके स्मार्ट वर्क में आता है आपका एटीट्यूड, आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं लोगों से, अपना कम्युनिकेशन कैसे बढ़ाते हैं उनके साथ का एक पीआर कैसे डेवलप करते हैं, मींस आपका पब्लिक रिलेशन, वो हुआ आपका स्मार्ट वर्क। आपकी नॉलेज, आप जिस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं उससे जुड़ी आप जितनी भी चीज़ें रिसर्च कर सकते हैं, जितना आप पढ़ सकते हैं, जितने एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनसे सीख सकते हैं बुक के ज़रिए या किसी इंस्टीट्यूट से या कहीं कोचिंग लेकर, वो है आपकी नॉलेज, जिससे कि आपको पता चलेगा आपको अपने डायलॉग्स बोलने कैसे हैं, आपको अपने कैमरे को फेस कैसे करना है, आपका डिक्शन किस तरीके का होना चाहिए। तो अगर ये बारीकियाँ, मीन्स नॉलेज अगर आपके साथ में है और अगर आपका हार्डवर्क और आपका स्मार्ट वर्क साथ में है, तो आप 70% स्कोर करेंगे और आप सक्सेस ज़रूर पाएंगे। क्योंकि आप ये मत भूलिए कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखड़ता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो इसी तरीके से आप अपने हार्ड वर्क पे, अपने स्मार्ट वर्क पे काम करें और साथ में आप नॉलेज गेन करें, और इन ये जब सारी चीज़ें आपके साथ होंगी तो आप डेफिनेटली किस्मत के एक्सक्यूज को देना बंद करेंगे और एक सक्सेसफुल एक्टर बनेंगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।